और अगर इतनी बात मुसलमान के समझ में नहीं आई कि करने वाला सब कुछ अल्लाह है, वो किसी शकल का किसी सबब का ना पाबंद है ना मोहताज है, वो अपनी कुदरत से जो चाहता करता है, आप चाहे जहां रहो नाकामी के सबब कुछ नहीं आ सकता है। अगर इतनी बात नहीं समझना आई कि चाहे इतनी नमाजें पढ़ो, चाहे इतना कुरान पढ़ो, चाहे इतनी दुआएं पढ़ो, चाहे इतने रोजे रखो, क्योंकि अल्लाह अपने करने में किसी की शरकत गवारा कर ही नहीं सकते हैं। ये इतनी खतरनाक चीज है, इतनी गंदी चीज है कि आदमी पूरा का पूरा जिस्म के साथ पूरे पैखाने के अंदर डुबकी मार दे तो समंदर में डुबकी लगा ले साफ हो जाएगा, नहर में कूद जाए साफ हो जाएगा, दो चार बाल्टी से नहा ले पाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की सिफात में शिर्क कर लिया है, अरबों बरस जहन्नम जलने के बाद भी पाक नहीं हो सकता, इतनी गंदी चीज है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे, उसके अलावा हर गुनाह को माफ कर देंगे। ये हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा अगर शिर्क पर मर गया, चाहे इतनी नमाजें पढ़ो, चाहे इतना रोजा रखो, चाहे इतनी इबादतें की। शिर्क की गंदगी के साथ गया ये पाक हो ही नहीं सकता है, चाहे हजारों ने अरबों बरस जहन्नम में जले पाक ही नहीं हो सकता, हमेशा रहना पड़ेगा।